नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, मेरा नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन GLCIS परिवार के द्वारा। मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ मध्य प्रदेश का भाग पाठ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का मध्य प्रदेश का भाग पाठ। चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मध्य प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा हमने स्टार्ट कर दिया है। देखिए मध्य प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं, ऑप्शन दिए गए हमारे पास ABCD। देखिए 25, 30, 35, 45। देखिए राइट आंसर हम लोगों का होगा बेटा बी, 30 जो है क्या है हमारे मध्य प्रदेश में अभयारण्य है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य पूर्ण रूप से स्थापित अभयारण्यों में तत्कालिक जो संख्या है वो कितनी है हमारी, 25 है। देखिए पहले जो थे इसमें क्या हुआ था कि अभी वर्तमान में इसमें काफ़ी चेंजेस हुआ है। कुछ जो अभयारण्य वो हमारे प्रस्तावित है, कुछ अभयारण्य कैसे हैं बेटा हमारे प्रस्तावित है, और कुछ कैसे हैं जो पूर्ण तरीके से स्थापित हो गए हैं। देखिए यहाँ पर तत्कालिक जो संख्या थी वो हमारी कितनी है, 25। तत्कालिक संख्या जो कितनी है हमारी, 25, किंतु 5 अभयारण्य जो है वह क्या है, प्रस्तावित है। इसीलिए टोटल उन्होंने पूछा है, तो टोटल हमारे कितने हो गए बेटा, 30 हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों हमारा, नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ABCD। देखिए तो राइट आंसर जो होगा हमारा वन्य जो अभयारण्य होगा। देखिए नौरादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यहाँ अपना है 1194.67 वर्ग किलोमीटर, और यह सागर, दमोह, नरसिंहपुर एवं रायसेन में विस्तृत है। यहाँ अफ्रीका के चीते पुनर्वास करे गए। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोगों को एक और क्वेश्चन बन के आपका आ रहा है कि अफ्रीका के जो चीते हैं वो कहाँ पर जिनका पुनर्निवास किया गया है। तो बेटा जो नौरादेही जो अभयारण्य आपका, यहाँ पर जो अफ्रीकी चीते लाकर इनका पुनर्वास किया गया है, और इस अभयारण्य में बामनेर नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका रेडी हो गया बेटा कि बामनेर जो नदी है वो कहाँ प्रवाहित होती, तो बामनेर नदी आपके नौरादेही अभयारण्य में जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसी नदी के किनारे मगरमच्छ एवं उद्बिलाल का घर है। ठीक है, उद्बिलाल का घर मतलब क्या होता है कि नदियों के किनारे जो आपका घड़ियाल है, उद्बिलाल है, ये जो जानवर जो पानी में रहने वाले हैं वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल पॉइंट और जो है ओला झील भी यहीं पर है। ओला झील से भी आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा कि ओला झील कौन से अभयारण्य के अंतर्गत आती है, तो ओला झील भी आपके किनसे कौन से अभयारण्य के अंतर्गत आती है बेटा, नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत आती है। यहाँ से जो है आपके 3-4 क्वेश्चन जो है रेडी हो गए हैं, आया समझ में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए रहा बेटा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस जिले में अचानक मार अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन दिए गए आपने आपके पास ABCD। देखिए राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा बेटा, सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए व्याख्या इसकी, अचानक मार वन्य जो अभयारण्य मूलतः छत्तीसगढ़ राज्य में, मूलतः मतलब इसका अधिकतर जो भाग है, क्षेत्रफल का अधिकतर जो विस्तृत जो है वो कहाँ पर चला गया आपके, छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल था मतलब टोटल जो क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो टोटल क्षेत्रफल होगा आपका 3835.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टोटल की बात हो रही है मतलब मध्य प्रदेश का प्लस छत्तीसगढ़ का, दोनों का मिला के समाहित करके जो क्षेत्रफल बताया गया है वो ये रहा, और जिसके अंतर्गत 10 वन विभाग क्षेत्र आते हैं। देखिए 10 जो वन विभाग है आपके, टोटल जो वन क्षेत्र जो आता है 10 वन क्षेत्र जो आपके अचानक मार अभयारण्य के अंतर्गत ही जो है आते हैं, और जिसमें कि एक मतलब मध्य प्रदेश की जो बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश का जो रहा आपका 1224.998 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में छटा गया, मतलब जो आपका जो टोटल है ये 3835 में से हाफ डिवाइडेड भी कर करते तो हाफ का थोड़ा सा जो कम ज़्यादा होगा वो आपका 1224.98 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जो कि मध्य प्रदेश में छाटा गया, मतलब मध्य प्रदेश का आपका इतना ही जो क्षेत्रफल इसमें आएगा। और जबकि शेष जो क्षेत्रफल है आपका, शेष जो क्षेत्रफल कितना बचा बेटा, 2610.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक है, देखिए
यहाँ से आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लेगा, और जो है मध्य प्रदेश में कितना भाग है वो आपसे क्वेश्चन यहाँ से आपका पिकअप हो जाएगा, और जो है 10 वन क्षेत्र जो है आपके यहाँ पर चाणकमार जो अभयारण्य यहाँ पर आपका 10 वन क्षेत्र पूरे यहाँ पर आते हैं इसी में, और इसमें छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले और मध्य प्रदेश के, देखिए अगर आपसे पर्टिकुलर जिला पूछ ले तो जो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है उसमें, और जो मध्य प्रदेश के जो है आपका डिंडोरी और अनूपपुर भाग में जो है फैला हुआ है। देखिए कोई सी भी जो प्राकृतिक संपदा जो होती है उसको ये नहीं पता होता कि आपकी सीमा कहाँ है, राज्यों की सीमा कहाँ पर ख़त्म होती, वो तो नेचर है कहीं पर भी फैल जाएगा। उसी तरीके से जो इसका क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में आपका बिलासपुर है, और जो है आपका मध्य प्रदेश में कौन सा बेटा डिंडोरी और अनूपपुर में, दोनों ही जगह पे जो अपना क्षेत्र लेकर ये स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज नाथ मंदिर के अभयारण्य में पास में स्थित है, मतलब जो चतुर्भुज जो नाथ मंदिर है वो किस अभयारण्य के अंतर्गत जो है आता है। ABCD चार ऑप्शन दिए हमारे, देखिए जो राइट आंसर होगा वो आपका गांधी सागर जो अभयारण्य है, गांधी सागर अभयारण्य के अंतर्गत जो है आपका चतुर्भुज नाथ का मंदिर जो है यहाँ पर बना हुआ। देखिए क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे वेज जो होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं जिनसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज नाथ जो मंदिर है आपका वो है गांधी सागर अभयारण्य में स्थापित है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले में उत्तरी सीमा तथा राजस्थान से सटा हुआ। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पिकअप हो गया कि कौन सा ऐसा वन्य जीव अभयारण्य है जो राजस्थान से सटा हुआ है। ठीक है, मतलब राजस्थान से कुछ सीमा इसकी जो है आपकी लगती है। ठीक है, तो देखिए गांधी सागर जो वन्य जीव अभयारण्य है आपका मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर में फैला हुआ है, और राजस्थान में भी इसकी कुछ सीमा जो है आपकी लगी हुई है। इस अभयारण्य को 1974 में अधिसूचित किया गया था। कब बेटा? 1974 में, 1974 में इसको अनुसूचित किया गया था, जिसमें कि इसका जो है 1983 में कुछ क्षेत्रों को और शामिल करा गया। मतलब जो 1974 में जो क्षेत्रफल था वो तो था ही, लेकिन बाद में 1983 में इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ा दिया गया है ना, और बढ़ा दिया गया। उसका क्षेत्रफल जो है कितना हो गया आपका भैया 368.62 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल और बढ़ा दिया गया। कब? बनने से पहले बन गया, बाद में 1983 में इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद बढ़ गया, और इसमें क्या होता है, इस अभयारण्य के पश्चिम भाग में नीमच जिले में और पूर्वी बात मंदसौर जिले में स्थित है। मतलब जो पूर्वी जो हिस्सा है इसका, पूर्वी जो हिस्सा है इसका मंदसौर जिले में विस्तृत है। इसके बाद इसके गुजरने वाली जो नदी चंबल नदी है, देखिए गांधी सागर जो अभयारण्य है आपका, हम लोगों ने गांधी सागर बांध भी सुना है, गांधी सागर बांध भी बना हुआ है चंबल नदी पर, और जो आपका गांधी सागर जो अभयारण्य है वो भी आपका चंबल नदी के किनारे ही स्थित है। इसे पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है, मतलब जो चंबल नदी है जो आपके गांधी सागर में से प्रभावित होती है वो क्या करती है, इसको पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजित करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब जैसे आपका गुजरात से बात करूँ मैं, आपके अरुणाचल प्रदेश, पूर्व अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्व में आता है और इधर जो है आपका गुजरात आता है, तो पूर्व से पश्चिम में जो विभाजित करता है वो जो आपकी चंबल नदी इसको विभाजित करती है। ठीक है, अभयारण्य के अंतर आने वाले दर्शन पर्यटन स्थल, जिसमें कि महत्वपूर्ण स्थल जो चतुर्भुज नाथ का जो मंदिर है प्राचीन है। देखिए गांधी सागर जो अभयारण्य है इसमें आपका चतुर्भुज नाथ का जो मंदिर है वो स्थापित है, और वो ये पर्यटकों के लिए बहुत ही क्या है, फेमस है। मतलब पर्यटक यहाँ पर क्या आते जाते रहते हैं, पर्यटक जो है यहाँ पर घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा ये हमारी MPPSC मेंस के लिए जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए दोनों की ही बैचेस बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, 23 जून को स्टार्ट होने वाली। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल्स पे भी आप हमको लिंक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित अभयारण्यों में से किस अभयारण्य में प्राकृतिक शैलाश्रय देखे गए। ठीक है, ABCD चार ऑप्शन दिए गए बेटा हमारे पास। देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वो आगे होगा आपका नरसिंहगढ़। ठीक है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से किस अभयारण्य में प्राकृतिक शैलाश्रय देखे गए। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन ये रहा, वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। देखिए नरसिंहगढ़ का किला भी हम लोगों ने देखा होगा कि नरसिंहगढ़ का किला जो है आपके मंदसौर में ही, आपके राजगढ़ में ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़ा महादेव और छोटा महादेव का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर बहुत ही फेमस है। जैसे कि आप लोग शिवरात्रि का बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ पर, और बहुत अच्छा देखने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है ना। तो राजस्थान के जिले में स्थित है। यहाँ इसकी जो स्थापना हुई कब हुई बेटा, 1974 में इसकी जो है स्थापना हुई है, और इसका जो क्षेत्रफल है
57 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है, 57 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चीतल, सांबर, नीलगाय, चीता, जंगली शुगर। देखिए बेटा मैंने ये जो लाइन ऐड करी है आप इसको ये ऐसे ही मत लेना कि ये नाम क्यों लिखा गया मैडम ने एनिमल्स का। देखिए जो आपका जैसे कि कोई सा भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हुआ, BPSC का हुआ या SI का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो है लास्ट ईयर ये आपसे एनिमल वाले क्वेश्चन पूछे थे कि निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य में ये एनिमल जो है जानवर नहीं पाया जाता। इसीलिए बेटा आपको याद रखना है कि कौन कौन सा अभयारण्य में कौन कौन सा एनिमल को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नरसिंहगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर आपका चीतल, सांभर, नीलगाय, चीता, जंगली शुगर पाए जाते हैं। पक्षियों की 164 प्रजातियाँ पाई जाती है। कहाँ पर? नरसिंहगढ़ जो वन्य अभयारण्य है जो कि आपका राजगढ़ में पड़ता है वहाँ पर 164 प्रजातियाँ जो है आपकी एनिमल्स की यहाँ पर है। और इस अभियान के भीतर सैकड़ों संख्या में शिलाक्षर देखे गए, मतलब 164 प्रकार की जो पक्षियों की प्रजाति हम लोगों ने देखी है इसी अभियान के अंतर्गत। हमने यहाँ पर क्या देखे, शिलाक्षर देखे जिनमें कि सफ़ेद और लाल रंग के चित्र बने, सफ़ेद और लाल रंग के चित्र बने हैं। देखिए शिलाक्षर मतलब जो पत्थर पे कोई पत्थर है, पत्थर पे जो लिखा जाता है वो शिलाक्षर होता है। ठीक है, किसी पत्थर जैसे किसी स्तंभ पे लिख दिया जाए कोई से भी अभिलेख मतलब पुरानी जो जानकारी या किसी भी कोई भी राजा हो, जैसे अशोक के बहुत सारे 14 शिलालेख हम लोगों को मिले हैं तो वो शिलालेख अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। उसी तरीके से जो पत्थर पर उसको जो है क्रोध के जो लिखा जाता है वो होता है आपका शिलालेख, और वही लेख अगर एक स्तंभ पे एक खंभे पर लिख दिया जाए तो वो होता है आपका स्तंभ लेख होता है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के जो शिलाक्षर आपको वहाँ पर नरसिंहगढ़ जो आपका अभयारण्य है राजगढ़ में यहाँ से आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर है जिसे बाघों से डर नहीं लगता। देखिए कौन सा ऐसा जानवर है, अब भाई बाघ शेर ये तो मतलब जंगल के राजा होते हैं, शेर तो ठीक है, तो बाघ जो होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली शेर से मतलब कम माना जाता है, लेकिन उसकी जो रफ्तार होती है दौड़ने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, शेर से भी ज़्यादा होती है, डर नहीं लगता। मध्य प्रदेश में सभी अभयारण्य और रिजर्व पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्य या रिजर्व में जो टाइगर रिजर्व इनमें समय पाया जाता है, तो कौन सा ऐसा जो जानवर है जिसको बाघ से डर नहीं लगता। देख लेते हैं हम लोग, ABCD चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर जो होगा हमारा बी होगा। राइट आंसर क्या होगा बेटा, हमारा बी होगा मतलब गैर। तो देखिए इसकी जो बनावट होती है जो अन्य जो मतलब ये जो होता है अपने जो गाय जो होती है गाय का समूह का ही ये जानवर होता है। देख लेते हैं हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन। देखिए ये जो गौर होता है आपका, गौर जो पशु होता है ये आपके दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ठीक, और पाया जाता है यह एक बड़ा काले लोम गो जाती ही पशु, कैसा है काले लोम गो जाती ही पशु है और जंगली मवेशियों से में सबसे बड़ा होता है, जंगली जो मवेशी होते हैं उनमें सबसे बड़ा यह होता है और मध्य प्रदेश का सभी अभियानों में और रिजर्वों में यह पाया जाता है। मैडम हमने तो कभी देखा नहीं गैर कैसा, तो आप लोग देख लीजिए, आप ही के लिए लगाया कि आपको पता चले कि कौन है वो। चलिए देख लीजिए ये रहा आपका गैर पशु है, देखना निकल के मुझे मत मार देना। ठीक है, तो ये रहा, देखिए इसकी जो संरचना है मतलब बहुत शक्तिशाली है, इसको बाघ से डर नहीं लगता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मोरेना में स्थित अभयारण्य का नाम बताइए। मोरेना में स्थित जो अभयारण्य है इसका नाम जो है आपको बताना है कि मोरेना में कौन सा अभयारण्य स्थित है। ABCD जो आपके चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है बेटा, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कूनो अभयारण्य। कूनो अभयारण्य कहाँ पर स्थित है आपके मोरेना में स्थित है। देखिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका, पालनपुर कूनो अभयारण्य मध्य प्रदेश के शाहपुर मुरैना जिले में स्थित है। देखिए अगर आपसे मुरैना की जगह अगर शाहपुर भी दे दे तो आपको जो है याद रखना है। ठीक है, शाहपुर मुरैना में अंतर्गत कूनो नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है बेटा, कूनो नदी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कूनो पड़ा। ठीक है, यह वन्य जीव अभयारण्य 345 वर्ग किलोमीटर, कितना 345 वर्ग किलोमीटर यह जो आपका क्षेत्रफल में फैला हुआ। केंद्र शासन के सहयोग से एशियाई बाघ का पुनर्वास हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना कूनो पालनपुर अभयारण्य में चलाई जा रही है। देखिए एशियाई जो शेर है आपके गिरीवन में, गिरीवन आपका कहाँ पर आता है, गुजरात में जाके गिर जाओ तो गिरीवन, समझ में आया, गिरीवन गिरी पर्वत सब आपके गुजरात में यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर एशियाई बाघ जो है इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर जो अभयारण्य गिरीवन अभयारण्य है जहाँ पर जो है आपके जो बब्बर शेर है इनका संरक्षण दिया जाता है, लेकिन अभी इनको कुछ समय के लिए या इनमें से कुछ जो है उनको आपके कूनो अभयारण्य मुरैना में जो है इनको स्थापित करा जा रहा है, मतलब इनके इनका यहाँ पर संरक्षण हो, उनकी अच्छे से देख रेख हो और इनकी जो है तादाद वहाँ पर बढ़े। ठीक है, इसलिए यहां पर किया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए बेटा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है। देखिए अटल बिहारी पार्क जो है आपका किस नाम से जाना जाता है, ए बी सी डी आपके चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका बी होगा। रीजनल पार्क, इंदौर का जो रीजनल पार्क है वह क्या होगा बेटा आपका जो है अटल बिहारी जी के नाम से इसका नाम जो है रख दिया गया। देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क को इंदौर के रीजनल के नाम से जाना जाता है। देखिए इंदौर का रीजनल पार्क है ये, और जो इसके पहले रीजनल इसका नाम था लेकिन बाद में जो इसका नाम बदलकर अटल बिहारी जी कर दिया गया है। और इस विकास प्राधिकरण द्वारा, इंदौर का जो विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए इसको 2003 में जनता के लिए इसको बनाया गया, खोला गया था। और इसमें 80 एकड़ का जो क्षेत्रफल, मतलब ये जो फैला हुआ है 80 एकड़ के क्षेत्रफल में आपका जो है आपका जो रीजनल पार्क है वो फैला हुआ है। और इस पार्क में 42 एकड़ में एक सुंदर झील बनी हुई है, 42 एकड़ में एक सुंदर झील बनी है। आप लोग अगर नहीं गए हैं तो बिल्कुल आप जाइए, शाम को जाइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आराम से बहुत अच्छा व्यू है, देखने लायक व्यू है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। और जो है यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि 38 एकड़ में जो है आपकी सुंदर झील बनी हुई है। और इस पार्क में भूल भुलैया भी है ना, किसी को छोड़कर आना है तो छोड़ जाना और भूल जाना उसको वहीं पर, ठीक है। आकर्षण केंद्र है मिनी पूजा मालवा क्वीन मुख्यालय यहाँ पर आकर्षित है। कौन सा बेटा? मिनी पूजा मालवा क्वीन आकर्षण यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। तो ये जो बहुत अच्छा लुभावनी सी जगह है, आप लोग प्लीज जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब हुई? आपका जो बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब हुई, ये रहा आपका जो राइट आंसर, ये रहा आपका राइट आंसर 1973 में आपकी जो बगदरा अभयारण्य इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। देखिए ये जो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट के कारण जो बाघ हैं उनकी संख्या जो है क्या हो रही थी, गिरावट आ रही थी, उनकी संख्या में कमी आ रही थी। इसी कारण से 1973 में, कब बेटा 1973 में, भारत को टाइगर को संरक्षित करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम जो है शुरू करा गया। कौन सा बेटा? टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम जो है यहाँ पर शुरू किया गया, ठीक है। यह कार्यक्रम WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड के द्वारा 1970 में गठित किया गया था। यह इसे विशेष कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया और 1 अप्रैल 1973 को जो है आपका टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। देखिए बात करूँ मैं आपके मध्य प्रदेश में जो है स्टार्ट, तो इसको पूरे विश्व पे बात करूँ मैं तो वो जो है आपका 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन आपके जो मध्य प्रदेश ने इसको 1974 में एक्सेप्ट करा कि भैया जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, इसको टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में जो है किया गया। और बात करूँ जो आपके जो इसके जो रचयिता, मतलब रचयिता नहीं बोल सकते, इसको मतलब लाने वाले जो टाइगर प्रोजेक्ट विश्व में है जो लाने वाले वो थे आपके जो है, देखिए मध्य प्रदेश की जो मैं बात करती हूँ तो मध्य प्रदेश में जो आपके कैलाश सांकले थे, मध्य प्रदेश में कौन थे बेटा आपके कैलाश सांकले थे। और ये विश्व लेवल पर जो लाने वाले थे वो आपके ग्रैनी मेंडल थे। कौन थे? ग्रैनी मेंडल जो थे आपके विश्व स्तर पे थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक और बात, यहाँ पर इसको जो है 1973 में भारत को संरक्षित करने के लिए लाया गया था, 73 में जो है ये लाया गया था इसको जो, और इसको जो 1 अप्रैल 1973 को लागू भी कर दिया था, लेकिन आपके भारत ने मध्य प्रदेश में 1974 में जो इसको करा गया था, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभयारण्य है, खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभयारण्य है, ए बी सी डी ऑप्शन है। इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, पनपथा। पनपथा जो है आपका कहाँ पर होगा? खजुराहो के निकट। पनपथा एक जो है अभयारण्य है जो कि कहाँ पर है आपके? खजुराहो के निकट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खजुराहो के निकट पनपथा अभयारण्य स्थित है, खजुराहो के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। पनपथा वन्य अभयारण्य उमरिया जिले में, इसी तरह बगदरा अभयारण्य भी सिंगरौली जिले में। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैं बात करती हूँ आपसे, जो कान्हा आपका कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान आपके मंडला में, मंडला की, क्योंकि मंडला में क्षेत्रफल ज़्यादा है, यूँ तो वो डिंडौरी में भी फैला हुआ है, हल्का सा बालाघाट में भी है ना। तो कहने का मतलब कि जो क्षेत्रफल क्षेत्र जो होता है वो तीनों चारों जगहों में आ जाता है आपका, ठीक है। तो उसी तरीके से जो पनपथा अभयारण्य है उमरिया जिले में, इसी तरीके से बगदरा जो अभयारण्य है वो आपके सिंगरौली जिले में आता है। कहाँ पर? जो आपका सबसे पूर्वी जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वहाँ पर आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, पेज छिंदवाड़ा में आता है। इसी तरीके से पनपथा उमरिया में ही सबसे निकट है। उमरिया जिले की बात करें तो उमरिया में सबसे उमरिया के नज़दीक है, और यूँ सिंगरौली के आता है। तो देखिए तो ये कहाँ आपके खजुराहो के जो है क्या छतरपुर के जो है बिल्कुल निकट ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य होशंगाबाद में है? निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जो है आपके कहाँ पर है? होशंगाबाद में है।
ABCD आपके चार ऑप्शन देंगे, राइट आंसर जो होगा आपका बोरी वन्यजीव अभयारण्य होगा। मैंने बोला था ना बोरी उठा के कहाँ जाएंगे, होशंगाबाद चले जाएंगे हम लोग बोरी उठा के, तो क्या याद करेंगे बोरी वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पे बेटा, होशंगाबाद। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए बोरी अभयारण्य जो है भारत का सबसे प्राचीन, देखिए अगर आपसे वन की बात कर ले कि भारत का मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन कौन सा है बेटा आपका बोरी ही वन क्षेत्र है। बोरी वन क्षेत्र सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, ठीक है। तो बोरी अभयारण्य सबसे प्राचीन है, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और बांस के जंगल से भी घिरा है। बांस के जो जंगल है आपका जो है बोरी अभयारण्य जो है आपका किससे घिरा हुआ है, शुष्क पर्णपाती वन से घिरा हुआ है, बांस से घिरा है। मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले जब मैं आपका जो वन लेकर आई थी उसमें मैंने बताया था कि बांस उत्पादन में आपके मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, दूसरा है, और प्रथम जो स्थान है आपका किसका है बेटा, अरुणाचल प्रदेश का है बांस उत्पादन में। उसी तरीके से जो है बांस के बांस जो जंगलों में घिरा है, सबसे पुराना जो जंगल इसी को माना जाता है। पश्चिम में तवा नदी बेटी, देखिए यहाँ से आपके तीन क्वेश्चन जो है बन गए हैं, शुष्क पर्णपाती वन है, बांस के बांस जो क्षेत्र चारों तरफ फैला हुआ है, दूसरा आपकी इसके पश्चिम में किसके बोरी अभयारण्य के पश्चिम में जो नदी बहती है वो कौन सी बहती है बेटा, तवा नदी बहती है। कौन सी, तवा नदी जो है बहती है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है वह अभयारण्य जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के लिए जाना जाता है, कौन सा बेटा, वह अभयारण्य जो ग्रेट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, बस ये बस्टर्ड में ही आकर फेल हो जाएंगे, बस्टर्ड में आके सभी के सब के तोते उड़ जाएंगे। तोते नहीं उड़ाना है, पकड़ के रखना है तोतों को। देखिए ABCD हमारे पास चार ऑप्शन है। देखिए बस्टर्ड, बस्टर्ड इंडियन बस्टर्ड मतलब जो चिड़िया नहीं होती छोटी सी, छोटी सी सुनहरे करके जो अंगना में फुदकती रहती थी एक समय पर, अब तो दिखती भी नहीं है वो वाली जो चिड़िया है वो आपकी सोने चिड़िया। तो जो है इसमें जो राइट आंसर होगा आपका बेटा कौन सा होगा, क्योंकि कौन सा अभयारण्य में जो है ये पाई होती है, ये जो आपके घाटी गांव जो अभयारण्य है आपका, इस अभयारण्य में सोन चिड़िया संरक्षण जो है बना दिया गया है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में लुप्त होने वाले मतलब प्राय लुप्त हो चुकी है ये जो सोन चिड़िया जो है आपकी लुप्त हो चुकी है, मतलब लुप्त बहुत कहीं कहीं पर भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब सोन चिड़िया, देखिए सोन चिड़िया है, सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए स्थापित करा गया। पहला घाटी गांव जो ग्वालियर तथा करेरा शिवपुरी में स्थित शामिल है, और 2018 में करेरा अभयारण्य का डीनोटिफिकेशन जो है आपका कर दिया गया। पहला क्या आपका, देखिए पहला जो आपका घाटी गांव कहां पर आएगा आपका, ग्वालियर में आएगा, है ना। दूसरा आपका करेरा, करेरा कहां पर आता है आपका, शिवपुरी में। करेरा कहां पर आएगा आपका, शिवपुरी में शामिल है। और 2018 में इसका डीनोटिफिकेशन करा गया है, और जो है इसमें क्या करा गया बेटा, जो सोन चिड़िया इनका इनको संरक्षित करने के लिए ऐसा एटमोसफेयर दिया गया है कि ये इनकी जो है इनका मतलब पूरी लुप्त ना हो। जैसे कि मैं बात करती हूँ आपसे कि जो आपकी रेड डेटा जो बुक है, रेड डेटा जो बुक है आपकी, इस रेड डेटा बुक में जो है पेजेस होते हैं, अलग अलग कलर के पेजेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करूँ तो मैं ग्रीन कलर का पेज होता है, पिंक कलर का पेज होता है, और अगर रेड कलर का पेज होता है तो इन पेजों पर ऐसे जो एनिमल्स के बारे में दिया गया है। जैसे रेड की मैं बात करूँ तो रेड में ऐसे एनिमल्स का नाम दिया गया कि जिनकी प्रजातियाँ हैं जो क्या हो चुकी बिल्कुल लुप्त हो चुकी। गुलाबी में ऐसे जानवर आते हैं, गुलाबी पिंक कलर का जो पेज होता है उसमें ऐसे एनिमल्स के बारे में दिया गया है कि जो मतलब जिन पर संकट मंडरा रहा है। और हरा जो पेज है उस पर ऐसे एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिन पर कि जो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जिनका सब कुछ क्या अच्छा चल रहा है, मतलब अभी उनकी प्रजातियाँ भी बढ़िया अच्छी चल रही है, उनका संरक्षण हो रहा है ऐसा। तो ये जो रेड डेटा जो बुक है इसमें अलग अलग तरीके हैं जो है आपके एनिमल्स के बारे में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहा, डॉल्फिन किस अभयारण्य में प्रभावित नदियों में पाई जाती है। देखिए डॉल्फिन जो है किस अभयारण्य में प्रभावित होने वाली नदियों में पाई जाती है। तो ABCD आपके पास चार ऑप्शन है, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, चंबल जो नदी है, चंबल नदी में जो आपके डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन जो है इनको संरक्षित करा गया है। किनको करा गया, डॉल्फिन को चंबल नदी में जो है इनको संरक्षित करा गया है। देखिए चंबल घड़ियाल जो चंबल अभयारण्य घड़ियाल के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जो चंबल अभयारण्य है आपका किसके लिए जाना जाता है, घड़ियाल के लिए जाना जाता है। किंतु यहाँ प्रभावित होने वाली नदियों में डॉल्फिन पाई गई है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जो नदियों में क्या पाई गई थी, डॉल्फिन, जो डॉल्फिन वो वाले जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, देखा ना आप लोगों ने, जैसे अपने यहाँ पर तो नहीं लेकिन जो जो फॉरेन जो कंट्रियाँ होती हैं, विदेशी जो होते हैं, विदेश में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे लोग डॉल्फिन के साथ बॉल से खेलते हैं ना पौंड वगैरह में वैसा। तो मैंने तो ये जो डॉल्फिन आपकी कहाँ पर पाई गई थी, देखा गया था यहाँ पर, है ना। मुख्य रूप से गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, मतलब पहले जो मुख्य रूप से जो पहले पाई गई, चंबल में तो बाद में देखी लेकिन पहले मुख्यतः कहाँ देखी गई थी हम लोगों ने, गंगा नदी में जो है इनको देखा गया था, है ना। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर दिया। देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। पहले बात करूँ कि मुख्यतः कहाँ देखी गई थी डॉल्फिन, तो वो है आपके गंगा में देखी गई थी। दूसरा आपका
भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित कर दिया गया। किसको बेटा? डॉल्फिन को, है ना। और यहाँ पर जो है इसको अगर दिया गया राष्ट्रीय सेंचुरी बनाकर डॉल्फिन को बचाने की दिशा में सबसे पहला कदम, मतलब जो डॉल्फिन है इनको बचाने के लिए सबसे पहला जो कदम करा गया आपका 1979 में चंबल नदी में किया गया। और चंबल नदी में डॉल्फिनों की संख्या 78 थी 2008 के सर्वेक्षण के अनुसार। मतलब आपकी जो चंबल नदी है जो जानापाव पहाड़ी से निकलती है, तो उसमें जो है बेटा आपकी 78 जो थी डॉल्फिनों की संख्या थी 2008 में जब सर्वेक्षण करा गया था, ठीक है। तो मुख्यतः जो कहाँ पाई गई हमारी, गंगा नदी में पाई गई। जो फिर हमने कहाँ देखी, चंबल नदी में देखी। और चंबल नदी में जब हमने डॉल्फिनों को देखा तो हमने इनको बचाने की कोशिश करी, तो लेकिन जो 2000 जो और इसको राष्ट्रीय जल जीवन हमने घोषित कर दिया गया। और जो है 78 जब 2008 का जो सर्वेक्षण हुआ था, इस सर्वेक्षण में जो है वहाँ पर कितनी संख्या थी बेटा, 78 जो डॉल्फिनों की संख्या थी। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ियालों का प्रजनन स्थल निम्न में से कौन से अभयारण्य को माना गया है? जो घड़ियाल होते हैं इनका जो प्रजनन स्थल है किस अभयारण्य को माना गया है? ए बी सी डी जो है हमारे पास क्या बेटा, चार ऑप्शन है। ए बी सी डी हमारे पास क्या, चार ऑप्शन है, जिसमें ए हमारा क्या होगा आपका जो है ए राइट आंसर होगा। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है बेटा, देखिए। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा सोन होगा। क्या होगा आपका? सोन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, सोन होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जो सोन अभयारण्य है आपका मध्य प्रदेश के सीधी तथा शहडोल जिलों के अंतर्गत है। देखिए दो जो जिले हैं इनमें इसका क्षेत्रफल फैला हुआ, पहला आपका सीधी और दूसरा आपका शहडोल में, ठीक है, अंतर्गत सोन नदी स्थित है। यहाँ पर सोन घड़ियाल अभयारण्य घड़ियालों के संरक्षण की दृष्टि से जो है बनाया गया। घड़ियाल जो आपके जो मगरमच्छ होते हैं ना, घड़ियाल मतलब वही जो सोए थे सोई हैं, उठने का नाम नहीं लेते वही वाले, तो जो है इनके संरक्षण के लिए दृष्टि से यहाँ पर इनको संरक्षित करा गया है, ताकि इनकी इनका जो है क्या है इनकी संख्या जो है हम लोग संख्या में वृद्धि हो जाए इनकी। इसलिए अभयारण्य सोन नदी में घड़ियालों के मुख्य प्रजनन स्थल माना गया है। कौन सा? जो सोन जो नदी है उसमें मतलब इनका जो प्रजनन स्थल है इसको माना गया है सोन अभयारण्य को। 2016 में जो है आपकी सोन घड़ियाल अभयारण्य का योगदान, मतलब इसमें क्या रही कि दो मादा रही जिन्होंने 30 बच्चों को क्या है जन्म दिया। 30 बच्चों को यहाँ पर सोन घड़ियाल अभयारण्य में सोन नदी के किनारे दो मादाएं थी जिन्होंने 30 बच्चों को जन्म दिया। तो आपका जो है घड़ियालों के लिए कौन सा आपका सोन अभयारण्य है, क्योंकि घड़ियालों का संरक्षण करता है और यहाँ पर जो है इनके जो है संख्या यहाँ पर बढ़ती रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा भारतीय हिरण है, निम्नलिखित में से जो है आपका भारतीय हिरण कौन सा है? चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। देखिए राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा बेटा, सी जो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए देख लेते हैं हम लोग भारतीय हिरण सबसे बड़ा। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो हिरण है कौन सा होता है? सांभर। सांभर जो होता है आपका भारत में सबसे बड़ा जो हिरण होता है वो होता है। और जो इसका संपूर्ण फैला विविध रूप से आकार में पाया, मतलब इसका जो शरीर की जो बनावट है वो ऊंचाई भी थोड़ी ज़्यादा है, शरीर का वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा माना गया, ठीक है। इसके कारण मतलब पुराने समय के जो वैज्ञानिक थे जब इसको देखा तो वो लोग असमंजस की स्थिति में थे कि ये हिरण है या कोई सा और जानवर है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसकी जो कंधे तक की जो ऊंचाई वो 102 से लेकर 160 सेंटीमीटर है। जो कंधे की जो उसके पैर की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी थी? 102 से 160 सेंटीमीटर थी। और जो वजन तो होता था 150 से लेकर 320 किलोग्राम का जो होता इनका क्या होता था? वजन होता था, ठीक है। देख लेते हम लोग किस तरह का होता था। देखिए ये होता था आपका सांभर। देखिए जो नॉर्मल जो हिरण होते हैं वो इस तरीके के ऐसे नहीं होते हैं, थोड़े से दुबले पतले और बहुत फुर्तीले भी होते हैं हिरण। तो उसी तरीके से ये रही इसकी संरचना, जो कि सांभर है इसकी संरचना दूसरे जो हिरणों से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हैवी है, इसकी ऊँचाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए सरदारपुर अभयारण्य में प्रतिबंधित किया जाता है और किसकी सुरक्षा के लिए, मतलब सरदारपुर जो अभयारण्य है किसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मतलब प्रतिबंधित किया जाता है कि इसकी सुरक्षा जो यहाँ पर होना चाहिए? ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा हमारा? ए जो है राइट आंसर होगा, ए जो क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। देख लीजिए मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का संरक्षण प्रदान करता है। देखिए अगर आपसे यह पूछ ले कि खरमोर पक्षी का जो संरक्षण है वो आपके मात्र दो ही ऐसे अभयारण्य जहाँ पर किया जाता है। देखिए दो अभयारण्य स्थित करे गए, पहला आपका सरदारपुर कहाँ पर आता है? आपका धार में आता है। धार में क्या होता है आपका? सरदारपुर था। और सैलाना जो आपका कहाँ पर आता है बेटा? रतलाम में आता है। तो दो अभयारण्य जहाँ पर क्या होता है आपका खरमोर पक्षी का जो है मैम, खरमोर मतलब मोर, मोर तो नहीं होता लेकिन मोर से छोटा सा ही दूसरा इसका जो रूप होता है। हम लोग देख लेते हैं किस तरीके का जो आपका खरमोर पक्षी होता है।
देखिए ये आपका रहा खरमोर पक्षी। मोर तो हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं है ना, लेकिन खरमोर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, तो आज आप लोग देख लीजिए। ये होता है खरमोर, मोर जैसे ही होता है लेकिन मोर से जो इसकी संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है। ठीक है, तो यह हो गया आपका खरमोर पक्षी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो जब तक बने रहिए आप लोग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।